गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको अपना फाइकस का एक बहुत पुराना प्लांट दिखा रही हूँ, जो कि एक बैग में लगा हुआ है। और थोड़ा सा आज मैं परेशान हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है और मैं ही इसको उठा के इधर उधर रख रही थी फाइकस को, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था और मैं इसको शिफ्ट कर रही थी इसकी जगह से, तो उसका बैग फट गया। ये देखिए, बैग फट गया है। और तो फिर मेरा एकदम से ही मूड हुआ कि इसको मैं इस बैग से निकाल के एक गमले में शिफ्ट करती हूँ, मतलब प्लास्टिक के गमले में, क्योंकि कुछ दिन से मैं सोच ही रही थी कि इसको प्लास्टिक के गमले में शिफ्ट करूँ, क्योंकि बैग काफ़ी पुराना हो गया है। करीब 3 साल पुराना ये बैग है और इसी में ही इसको मैंने ग्रो कराया था और तब से इसी में ही लगा हुआ है और काफ़ी बड़ा हो गया है ये प्लांट। तो मुझे आज इसको निकालना है और इसकी रूट प्रूनिंग करनी है और इसको एक गमला देना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको कितना बड़ा गमला देने वाली हूँ। तो एक ये गमला है मेरे पास और मैं ये गमला इसको देने वाली हूँ और इसमें कूड़ा मैंने डाल दिया है नीचे थोड़ा बेस बनाने के लिए, और इसके बाद मैं इसकी रूट प्रूनिंग करके इसको इसमें शिफ्ट करूँगी। तो अब देखिए मैं इसको कैसे इसमें शिफ्ट कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसे बैग से बाहर निकाल लिया, तो अभी मैं इसका साइज़ दिखा रही हूँ कितना ह्यूज है ये। और रूट बाउंड तो ये हो ही गया था और मुझे इसको निकालना चाहिए ही था, बट मैं वैसे ही आलस कर रही थी और उसे नहीं निकाल रही थी। और ये देखिए कितना मोटा हो गया है, क्योंकि काफ़ी पुराना है ये प्लांट। तो बस मैं इसकी रूट्स को नीचे से काट के ट्रिम करूँगी और इसको इसमें से दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हेक्सा और इसका मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, और कुछ दिन पहले भी मैंने इसका इस्तेमाल किया है रूट प्रूनिंग के लिए। और देखिए अब इसको मैं किस तरह से यहाँ से इसकी रूट प्रून करती हूँ। पहले तो मैं अपने हस्बैंड से ही कराती थी, पर आज मैं खुद करने की कोशिश कर रही हूँ। इससे काफ़ी काम आसान हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ही मैं काट काट के चारों तरफ से हैक्सो से इसको बहुत इजीली रूट प्रून कर लूँगी। अब मैं चारों तरफ से ऐसे ही रूट प्रूनिंग करने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी हद तक शेप दे दी है, अभी और भी मैं इसको कट कर रही हूँ। और हेक्सो ने मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया है और हेक्सो से मैंने इसको दो तरफ से कट कर दिया है। अभी दो तरफ से और कट करना बाकी है, उसके बाद मैं नीचे से भी इसको कट करूँगी। ये फ्रेंड्स, अभी मैंने इसको एक स्क्वायर शेप में काट लिया है काफ़ी हद तक, बट फिर भी नीचे से अभी भी रह गई हैं। ये देखिए कितनी रूट्स हैं नीचे से। अब मैं इसको यहाँ से हेक्सो से काटने वाली हूँ, जिससे कि ये नीचे की भी सारी रूट्स जो हैं वो कट जाएं। यहाँ से मैं इसको कट करूँगी और कट करते वक्त वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं कट करके ही दिखाऊँगी, क्योंकि अब मैंने हस्बैंड को भी बुलाया हुआ है, वो पकड़ के रखेंगे और मैं इसको कट करूँगी यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कट करके काफ़ी छोटा कर दिया है, काफ़ी रूट प्रून कर दिया है। अब हम इसको इस गमले में रख के देखते हैं कि ये कितना जगह लेता है, और तो नहीं हमें कट करना है, तो अब हम इसे इसमें रख रहे हैं और देखेंगे कि कितनी गहराई तक ये जाएगा। हाँ, शायद ये बिल्कुल ठीक है, और आप साइड से मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगी तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो बहुत बड़ा काम था जिसको कि हेक्सो ने मेरा काफ़ी आसान कर दिया और मैंने अपने हाथ से काटा, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मुझे लगता था कि मैं हेक्सो शायद नहीं चला पाऊँगी, और मैंने ही चलाया और बिल्कुल इसमें हस्बैंड की मदद नहीं ली, तो मैं काफ़ी खुश हूँ उस काम को करके। बस अब इसमें मैं मिट्टी साइड से भर देती हूँ और ये मेरा काम कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरा मिट्टी से इसे फिल कर दिया है और इस गमले में लगा हुआ, ये बहुत सुंदर लग रहा है। बहुत दिन से मैं इसे बैग से निकालना है तो चाह ही रही थी, तो आज फोर्सफुली ही मुझे निकालना पड़ा, कोई बात नहीं, बट बहुत अच्छा काम हो गया। और ये देखिए प्लांट बहुत ही खूबसूरत है, और हो सकता है थोड़ा बहुत मुझे ऊपर से काटना पड़े, बट अभी तो मेरा कोई काटने का विचार नहीं है इसको, और ये इसी में सर्वाइव करेगा।
तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।